अध्यक्ष की अपेक्षा करेंगे हो गई साहब। उत्तर प्रदेश में क्या मुख्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस बार? आप भी पूछ रहे थे, मैं दूसरा पूछूंगा। अरे तो पूछ लो ना, आप दोनों में जवाब देंगे। आप दो दफा पूछते रह गए। नहीं, मैं पूछते इसलिए रह गया कि तब तो मेरे भाई ने दूसरे से पूछ लिया, हमें तो पूछना है मेन रूप से। मेरा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? किसी ने बात हुई थी, यही प्रश्न किसी ने पूछा। प्रियंका जी ने कहा हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, निर्णय लेंगे तो आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन जैसे आप दोनों बैठे हैं, आपके भी एक भाई साथ बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं कुछ और सवाल पूछता हूं। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि चेहरा कौन है। चलो आप मुख्यमंत्री नहीं बता रही, चेहरा कौन है? हर एक का चेहरा है, समाजवादी का एक चेहरा है, उनका एक चेहरा है, उनका एक चेहरा है। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखता है, हर जगह उत्तर प्रदेश में आपको मेरा चेहरा नहीं दिखता है, मैं तो हूँ, चेहरा तो नहीं हूँ। तो उन्होंने दोनों का जवाब दिया और एक का हाँ कह दिया, एक का ना कह दिया, या अभी नहीं बता सकते हैं। तो उससे आगे मुझे कुछ कहने में इतना थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं उनकी कही हुई बात से आगे ना जाऊँ। दोनों दुख जाए जैसे जिस अंदाज में अपनी बात को कह सकती थी उन्होंने बात कही है। दूसरी बात, आप मुझसे पूछें कि आपकी कितनी सीटें आएंगी, तो सच्ची बात है कि अगर हमारी 250 सीटें भी आती होती तो मैं ये नहीं कहता कि हमारी 250 सीटें आएंगी। हमें क्या मालूम कितनी सीटें आएंगी। इस समय जो हमें लक्ष्य दिया गया है और जो प्रियंका गांधी जी ने पिछले कुछ महीनों में किया है, वो लक्ष्य इस बात का था कि आपको दिखना है एक बार फिर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप दिखते नहीं, तो आपको उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दिखना है। और आप दिखोगे जब आप दिन रात काम करोगे, और प्रियंका जी ने सारे ही अध्यक्षों को, सारे ही कार्यकर्ताओं को, सारे ही नेताओं को ये कहा कि आप दिन रात काम करो और दिन रात काम किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आमूलचूल परिवर्तन के लिए हमारा एक नया दृष्टिकोण है कि हम 40% महिलाओं को भागीदारी दें, अभी दे दें, इसी चुनाव में दे दें। इसलिए कि वो ये मानती हैं कि महिलाओं का जो दृष्टिकोण होगा और महिलाओं को जो कार्यशैली होगी, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा, ऐसा उनका मानना है। और ये उनकी इस बात में हम सबको विश्वास है और हम सब भरपूर समर्थन इस बात को देते हैं। अगर हमारी भी सीटें जाती हैं, आज इनको लुईज को ये सीट मिली फरखाबाद की, कल मानो इसी गिनती में मेरी सीट किसी महिला को देनी पड़ती है, तो क्या मैं कल समर्थन नहीं करूँगा? आज जब मैंने समर्थन कर दिया 40% का, तो वो तब तक रहेगा जब तक प्रियंका जी ये ना कहें कि हम इसमें सफल हो गए। और जब तक और अन्य प्रांत जो है जहाँ पर आज 40% भागीदारी नहीं है, वहाँ भी 40% भागीदारी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी वहाँ की दे दे, ये आखिर हमारा लक्ष्य है। तो हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं उस दृष्टिकोण से जिससे वो लेकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। हम दिखेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, हम दिखेंगे, हम एक इम्प्रेशन अपना उत्तर प्रदेश राजनीति में क्रिएट करेंगे। अब इस चुनाव के बाद क्या होता है, कैसी फेर बदल होती है, कैसी आना जाना होता है, उसके बाद कैसी सरकार बनती है, ये बात का समय है। लेकिन ये प्रियंका जी ने कहा है, एक शुभारंभ है हमारे उस लक्ष्य के लिए जो लक्ष्य हमारा 224 का है, और उसमें कितना योगदान हम 222 में कर देते हैं, कर पाते हैं, कर सकते हैं, ये ऐसा लगता है जो मैंने अभी बहुत कम समय यहाँ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में सौभाग्य से एक बिंदु ऐसा सामने आ रहा है, ऐसा आ रहा है जिसका संबंध हमारी भावनाओं से है। घर शब्द जो है, अभी मैंने देखा कई जगह आया है, माननीय गुरु जी के अपने विचार में आया है घर का, कि ये मेरा घर है। और मैं इसी को एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ
कि ये मेरा घर है, एक तो फर्रुखाबाद घर है और एक कांग्रेस पार्टी घर है। तो जब आप पूछते हैं कि और लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने अगर घर नहीं माना तो ये उनका निर्णय है। मैंने घर माना है, ये घर है, इसलिए कहीं और जाने का कहीं प्रश्न नहीं होता। लेकिन अगर ये घर है तो वो घर से जो संबंध होता है, घर से जो संबंध होता है, वो संबंध लेकर आज मैं मानता हूँ कि हम लोग एक बार फिर चुनाव में यहाँ उतरे हैं कि हमारे घर के लोग, हमारे घर वाले, हमारे गृहस्थी वाले हमको इस ये स्वीकार कर लें कि हम उन्हीं के बीच के हैं, हम उन्हीं के हैं, हम उसी घर के हैं और उसी परिवार के हैं। और उसमें कभी कभी निराशाएं भी होती हैं, कभी कभी अपेक्षाएं भी होती हैं, कभी कभी संतुष्टि भी होती है, कभी कभी मोहब्बतें भी होती हैं, कभी कभी खुशी भी होती है और कभी गम भी होता है। लेकिन वो घर की बात है। अगर हम इस बात पे हमको स्वीकार करते हैं लोग कि ये घर का विषय है, हम घर के लोग हैं और घर ही पर हमारा सारा सारा कॉन्सेंट्रेशन घर पर है, तो मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात आ जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कई चुनावों में यहाँ देखा है, बहुत बदलती हुई परिस्थितियों में आपने मुझे यहाँ देखा है। मुझे आश्चर्य होता है एक आध लोग छोड़कर यहाँ पर जिसके सामने भी कुश्ती होती है तो वो कभी एक रंग कभी दूसरा रंग पहन के आता है, वो एक ही पार्टी का एक ही व्यक्ति नहीं वापस लौट के आता। उस पार्टी का कोई नया आए तो समझ में आता है, लेकिन किसी और पार्टी का उस पार्टी में आकर आ जाता है, वो शायद इस समय भी होगा, इस दफ़ा भी होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो भी आएगा उसके साथ प्रतियोगिता होगी, उसके सामने लड़ना होगा। लेकिन इस बात को शायद आप धोखे जो है कांग्रेस छोड़ना पड़ा, देखिए इससे इसको क्लैरिफिकेशन आप उनसे लेंगे कि उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही थी आपकी तरफ से। अभी मैं प्रधान की बात कर रहा था ना कि नरसिम्हा राव जी अपने अध्यक्ष को, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को प्रधान कहा करते थे। हम नहीं समझ पाए कि ये प्रधान क्यों कह रहे हैं, हम समझे कि गाँव के प्रधान है, तो कहा कि नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं, हमारा प्रधान जी आओ। तो अच्छी अच्छी बातें करें, वो चले गए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब वो अपनी जाकर अपना निष्ठा से अपनी नई पार्टी में, और उनको एक मौका मिला है चुनाव लड़ने का, उसमें वो आगे काम करें, उसमें उनको जो भी उनके लिए संभव है वो करें। हमें इसमें नहीं जाना है कि वो कौन थे, क्यों आए, क्यों गए। ये पहले भी बात आई थी तो मैंने ये कहा था कि अगर वो इस बात को वो करते हैं तो शोभा नहीं देता है, और करते हैं तो फिर ये भी बता दें कि उन्हें बनवाया किसने था। इससे ये नहीं हो सकता ना कि मुझे आप बनाओ तो ठीक है, और अगर उसके बाद आप मुझसे संतुष्ट ना हो या खुश ना हो या प्रसन्न ना हो तो ठीक नहीं है। हम लोगों को सबको एक साथ काम करना है। जैसे ये अध्यक्ष नहीं थे ना, मनोज जी अध्यक्ष नहीं थे, ये तो बेचारे कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, लेकिन आज अध्यक्ष हैं। तो अगर आज अध्यक्ष हैं तो हमको इन्हें अध्यक्ष का सम्मान देना होगा, वो इनको नहीं मिलता है, वो उस पद को मिलता है, कुर्सी को मिलता है जो महत्वपूर्ण है, और उसके बाद भी सम्मान मिले तो हमारा सौभाग्य होता है कि मेरे पास पद नहीं है, मुझे अभी भी सम्मान मिल रहा है कि लोगों का लगाव है, लोग मुझे प्यार करते हैं। तो बात वहीं पे छोड़ दो, बात वहीं पर रहनी चाहिए और आगे नहीं जानी चाहिए। मनोज जी, सवाल आपसे है, कुर्मी समाज से वो भी हैं, कुर्मी समाज से आप भी आते हैं, वो कह रहे हैं हमारी कुर्मी वोटर पे बड़ी पैड है, आप अपना दावा कर रहे हैं कि हमारी पैड बड़ी है, कैसे इन चीजों को सिद्ध करेंगे? अरे इनकी तो कुर्मियों से आगे है ना, ये तो सिर्फ कुर्मियों तक थोड़ी है, इनके समाज की बात हुई। लेकिन चूंकि हम तो मेरा एक ऐसा काम रहा, मैं कुछ कामों से जुड़ा, जैसे मेरा एनजीओ चलता था किसानों का ही, बहुत बड़ा, जिसमें 5,000 किसान सम्मिलित, में किसानों से भी जुड़ा हुआ हूँ,
ऐसे मेरे कुछ काम ऐसे हैं जो किसान से डायरेक्ट किसान से ही होते हैं, पंपिंग सेट वगैरह मेरे बड़े बड़े हैं, वो पूरे क्षेत्रों में चलते हैं, तो कम से कम एक महीने में 100 किसान तो हमसे ऑलरेडी जुड़ते हैं जिनके 10 काम अपने द्वारा किए जाते हैं। तो अपने कुर्मी समाज के अलावा, मैं कुर्मी समाज का महासचिव भी रहा, लेकिन मैं अपने कुर्मी समाज के अलावा सभी बिरादरियों में मेरी अच्छी पकड़ है, सभी लोग मेरे को अच्छे से जानते हैं।